तो है गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हवा ठीक है क्या? नहीं है ठीक, बहुत दिन से हवा नहीं। ये टायर के साइड में ऐसा क्यों बनता है, रिंग क्यों बनता है? हो गया चेक तो कर ले, और वो ऊपर का लोजन लगा देना। शोरूम में बहुत भीड़ था, लेकिन अपना पंटर लोग है ना, तो उनको कह के मेरा जो है जल्दी से चेन टाइट दिया गया। अच्छे उस दिन टाइट देट सही है, चेन की ज़रूरत नहीं है। और हम लखीपुर टाउन के अंदर से घुसेंगे, ठीक है? और जा कहाँ रहे आज मतलब, और ये लखीपुर टाउन के अंदर से हम होके जा रहे हैं, और अभी जाएंगे हम 45 किलोमीटर के आसपास है। और हमारे यहाँ पर जो पेट्रोल है थोड़ा महंगा है, एंड मेघालय का पेट्रोल जो है थोड़ा सा सस्ता है। मेरे बाइक के अंदर फिलहाल पेट्रोल कम है, लेकिन मैं हाथूगांव तक पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ पे जाके फुल टैंक पेट्रोल मरवा लूँगा। यहाँ पर जो है हम आगिया पे आके हर दिन चाय कॉफ़ी का ब्रेक लेते हैं, तो यहाँ पे ही चाय लेते, देखते पीछे कोई गाड़ी है या नहीं। तो इंडिकेटर तो दे दिया, लेकिन लोग समझदार हो तो समझ जाते हैं, वरना ठोक के चला जाता है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत हेपजूर चाय पिएगा या कॉफ़ी पिएगा? हेपजूर पिएगा कॉफ़ी, एंड मैं पीऊँगा चाय। तो चलो पी लो पहले। लॉजिस्टिक पार्क जो पंद्रह या बीस मिनट लगेगा यहाँ से। हम जिस प्रोजेक्ट को देखने जा रहे हैं, तो उसी के कारण जो है ये रोड जो है 2 लेन रोड था, इसको 4 लेन बनाया जा रहा है। ये जो है अपर असम को मणिपुर मिजोरम एंड यहाँ पर हमारा जो जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है सिक्किम को छोड़ के, तो उन रोड को जो है ये रोड जो है एक करेंगे लॉजिस्टिक पार्क के थ्रू। तो इस वजह से जो है इस रोड को, ये बहुत अच्छा रोड था, फिर भी काट के जो ये जो पहाड़ है, पहाड़ वहाड़ को काट के जो इसको 4 लेन बनाया जा रहा है, जो तभी जो कनेक्टिविटी अच्छा होगा। तो यहाँ से जो है सीधा गुवाहाटी डायरेक्टली पहुँच जाएगा कोई भी प्रोडक्ट होगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है तो लोकल लोगों को तो फ़ायदा होगा कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो किस बेसिस पे मिलेगा? तो मेरा जो अंदाज़ा है, इसके लिए जो कंपनी है, कंपनी के अंदर इंटरव्यू होगा, उसके बाद उसके अंदर ट्रेनिंग होगा, उसके बाद ही जो है यहाँ पर इनको जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर मेरे को लगता है सरकारी एंड प्राइवेट दोनों मिलके जो है यहाँ पर काम करेंगे। अभी तो 4 लेन का काम फिलहाल थोड़ा दिन के लिए बंद है बारिश के वजह से। आपको पता है कि आसाम के अंदर बहुत बारिश होगा, इस वजह से काम बंद है, लेकिन काम जो है काफ़ी ज़बरदस्त तोड़फोड़ से हो रहा था। एंड दूसरी बात, हम लोगों का क्या फ़ायदा होगा? जो समझ लीजिए कि जोगीर गोपाल से 100 किलोमीटर दूर रहता है, 200 किलोमीटर दूर रहता है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट हम ऑर्डर करते हैं, तो तकरीबन हमारे इधर पहुँचते हुए उस प्रोडक्ट का जो टाइमिंग लगता है, वो टाइमिंग जो है कम से कम एक हफ्ता तक भी जो है लग जाता है। लेकिन जब ये लॉजिस्टिक पार्क बन जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा टाइमिंग जो है वो 24 आवर्स या आप 12 घंटा या 24 घंटे के अंदर जो प्रोडक्ट डिलीवर्ड होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, ये जब लॉजिस्टिक पार्क होगा। एंड इस लॉजिस्टिक पार्क को बनाने का मतलब जो है मैं जाके वहाँ पे जाके आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है। मेरा रिसर्च के अंदर गलती हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता हूँ। सामने रोड बहुत ख़राब है क्योंकि काम चल रहा है, और ये जो छोटा छोटा पत्थर सामने दिख रहा है ना, ये बहुत ख़तरनाक सा चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक मार दूँ ना, तो गया काम से एकदम, अगर गिर गया ना तो हालत एकदम ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी हेपजूर का जो जैकेट है सेफ्टी, हेपजूर तेरा सेफ्टी जैकेट छोड़ के आ गया ना, तेरा सेफ्टी जैकेट, राइडिंग जैकेट। हेपजूर ने भी अपना राइडिंग जैकेट छोड़ के आया, और मैं भी जो है अपना जो सेफ्टी वगैरह है ग्लोव्स वगैरह वो भी नहीं लेके आया। क्योंकि हमारा मकसद, हम जब घर से निकले थे ना, असल में हमारा मकसद यहाँ पे जाने के लिए नहीं था, हमारा काम था ग्वालपाड़ा के अंदर। लेकिन सोचा कि चलो पब्लिक को आज बता देते हैं कि असल में यहाँ पर क्या होने वाला है। मतलब स्पीड चलाऊंगा नहीं, क्योंकि मूड बदल गया मेरा। और इस बाइक का मैं जब नया नया ख़रीदा था, तब इस बाइक का मैंने टॉप स्पीड चेक किया था, 125 इस बाइक का टॉप स्पीड था तब। लेकिन आजकल जो BS6 वाला है, उसका टॉप स्पीड थोड़ा सा कम है, टॉर्क थोड़ा सा कम है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेफ ड्राइव करो। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब से मैं बाइक चलाता हूँ आज तक मैं बाइक लेके एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये अल्लाह का शुक्रिया है बहुत बहुत कि मैंने एक्सीडेंट नहीं किया है, क्योंकि मैं वो बाइक बहुत ध्यान से चलाता हूँ और उतना स्पीड नहीं चलाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 70। ये देखो इस रोड पर 70 चलाना मतलब वो है। एंड मैंने जो है बाइक चलाने का जो एक्सपीरियंस काफ़ी समय से, जब मैं चापर, अगर बात करूँ कानूनी अपराध है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, M80 नाम का जो स्कूटर था,
M80 स्कूटर था एंड साथ ही जो है RX 100 भी मेरे घर पे था। तब मैं क्लास 8 या 6 में पढ़ा करता था, पूरा मुझे याद नहीं है। मैं उस टाइम M80 चलाया करता था जब मैं क्लास 6 में पढ़ा करता था, वो भी जो है घर में जब पापा आके, मेरे पापा का मेडिसिन का होलसेल का शॉप था तब, तो जब बाइक आके पार्क करके घर में खाना खाने गया तो मैं अचानक से, फर्स्ट टाइम जिस दिन मैंने बाइक चलाया तो अचानक से आया, आके मैंने M80 के अंदर बैठा और आराम से लेके निकल के चला गया, क्योंकि मुझे साइकिल चलाना आता था। और मेरे को साइकिल चलाना सिखाया मेरा नूर हुसैन नाम का एक मामा था जो मेरे पापा के शॉप पे काम करता था एज ए मैनेजर। 9 में, फिर 9 या 10 पे हमारे घर पे एक डिस्कवर बाइक लाया, उसी टाइम पे भी मैं वैसा ही चलाया करता था चोरी छुपे, लेकिन मेरे पापा मुझे चलाने नहीं दिया करता था। उसके बाद उसको भी सेल कर दिया, सेल करने के बाद प्लेटिना ख़रीदा। प्लेटिना आज तक भी मेरे घर पे पड़ा हुआ है, उससे जो है मैं पारमानेंट चलाना शुरू कर दिया। तब भी मेरा लाइसेंस नहीं हुआ था, मेरा लाइसेंस बना 4 साल होगा ना मेरा लाइसेंस बना, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा छोर, 4 साल हो गए मेरा लाइसेंस। उसके बाद मैंने ये जो है अपना यूट्यूब का पैसे से मैंने ये बाइक खरीदा था FZ। मैं FZ 25 भी ले सकता था, लेकिन मैं उस टाइम नहीं सोचा था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा, वरना मैं FZ 25 या KTM उस तरफ जाता, लेकिन मुझे ये बाइक चलाने में कंफर्टेबल ज़्यादा लगता है। ट्रिपल लिंक करके आ रहे हैं और सामने जो स्कूटी देख रहे हो आप, यहाँ पर देखो विदाउट हेलमेट आ रहा है। मैं अभी एक चीज़ बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था बाबू एंड उसका भी एक दोस्त था, बाबू मेरा दोस्त है लेकिन बाबू का और एक क्लोज फ्रेंड था, यहाँ पर बिना हेलमेट के वजह से यहाँ पर ये जो सामने आप ट्रक देख रहे हो ना, इसके थोड़ा सा आगे एक्सीडेंट होके ऑन द स्पॉट डेट हो गया था। एंड अभी मैं जो है जोगीर खोपा ब्रिज के ऊपर उठने वाला हूँ, कुछ ही दिनों के अंदर जो है हमारा फुलवाड़ी ब्रिज भी बन जाएगा, तब और भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा, शायद चेकिंग चल रहा नहीं है आज, चेकिंग यहाँ पर जो है चेकिंग चलता रहता है। किलोमीटर का है ये ब्रिज, चलो आज चेक कर लेते हैं। Trip 2 0, हाँ ठीक है, ये देखो मैंने Trip 2 को 0 कर दिया और ब्रिज पार होके जो है मैं ट्रिप को ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इस ब्रिज में जो है आप कहीं पे रुक के फ़ोटो नहीं खींच सकते हो, क्योंकि कुछ दिन पहले मतलब लगातार 2-3 एक्सीडेंट हुआ है सिर्फ ब्रिज यहाँ पर। जो ये नया ब्रिज बन रहा है ये भी लॉजिस्टिक पार्क के लिए ब्रिज बन रहा है, एंड यहाँ पर आप रुक के फ़ोटो नहीं खींच सकते, अगर आप फोटो खींचते हो तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। अभी ये गाड़िया के पूरा उड़ा के मार के जाएगा तब समझ में आएगा कि इनको होता क्या है। देखो कितना मस्त नज़ारा है, मतलब एकदम खूबसूरत नज़ारा है, और यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप लॉजिस्टिक पार्क का काम चल रहा है एंड काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। मगर 3.4 किलोमीटर इस ब्रिज का हुआ है, 3.4 किलोमीटर एंड थोड़ा सा हुआ 3.5 किलोमीटर के आसपास है, जब मैंने वो कैमरा ये जो शुरू किया था ना तब थोड़ा सा मैं ब्रिज क्रॉस करके आ चुका। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण Part 1 को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। Part 2 जो है आपको जल्द ही कल ही मिल जाएगा, इस वीडियो के साथ साथ ही आपको Part 2 मिल जाएगा एंड वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी आपको Part 2 देखने को मिल रहा होगा, तो वहाँ पे जाके भी जो आप क्लिक करके फुल जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या क्या हो रहा है आप चेक कर सकते हो। तो टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था।